बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हकीम लुकमान फरमाते हैं कि तहज्जुद के वक़्त आंख खुल जाए तो समझ जाओ कि आसमान से आवाज आई है। बूढ़ा आदमी चरागे सहर है और नौजवान आदमी चरागे शाम। समझदार आदमी नुकसान को फायदे में बदल देता है और बेवकूफ एक मुसीबत को दो मुसीबतें बना देता है। सूफी वो शख्स है जो अपने हाल को हमेशा छुपाए और तमाम कायनात उसकी वलायत की नातक हो। तसव्वुफ की हकीकत दिल को मखलूक के रुजू से साफ करना और अलहदगी इख्तियार करना है। वो अमल जिसके जरिए बंदा इंतहाई मदारज तक पहुंचता है, वह अपने कसूर और इज्जो जोफ का मुशाहदा करता है। कसरत कलाम हसनात को इस तरह चूस लेती है जैसे जमीन पानी को जज़ब कर लेती है। अमल करके उसको ना किया हुआ ख्याल करना चाहिए और अपने तई कसूरवार ख्याल करके अमल असरे नो शुरू करना चाहिए। कनात का फल राहत है, तवाजो का फल मोहब्बत है और तकब्बुर का फल अदावत है। खुलूस ये है कि हर हालत में हर हाल में सिर्फ और सिर्फ अपने हक ताला को देखे और सुने, बाकी मखलूक को छोड़ दे। जिस शख्स की इज्जत लोगों में ज्यादा हो उसे अपने नफ्स को हकारत से देखना चाहिए। जो इंसान ख्वाहिशात नफसानी की फरमा बरदारी करता है वो कैद खाने में रहता है। दिल इरादा के लिए, दिमाग तदबीर के लिए और हाथ अमल के लिए हैं। दिल मरकज़े आमाल है, बिगड़ा हुआ दिल नेकी नहीं कर सकता। किसी भी औरत को अपना बनाना हो तो एक लफ्ज कद शागाफा हा हुब्बा, फिर सुनिए कद शागाफा हा हुब्बा। किसी भी औरत को अपनाना चाहते हो तो एक लफ्ज कद शागाफा हा हुब्बा अपनी हथेली पर लिखकर सो जाए, फिर सुबह उठकर तमाशा देखें।